Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी एंड वेलकम बैक टू हैशटैग वोकल फॉर लोकल सीरीज, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ लोकल इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को ट्राई करती हूँ और रिव्यू शेयर करती हूँ. सो आज मैं जिस ब्रांड के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो है खादी ग्लोबल. जी हाँ, बहुत पुराना ब्रांड है एंड हम सबका फेवरेट ब्रांड है एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स है उनके. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है इस ब्रांड के बारे में, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हुआ है इन दिनों में. दैट्स वाई सो इस वीडियो को मेक श्योर करें कि आप एंड तक पूरा देखिए. वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सेप्टेम्बर 2020 से खादी ग्लोबल ने कुछ चेंजेस किया है. दे हैव रीब्रांडेड देयर प्रोडक्ट्स इनटू द इंडी अर्थ ब्रांड. सो सेम ही है सब कुछ, मतलब प्रोडक्ट्स आपको सेम ही मिलेंगे, बिकॉज खादी ग्लोबल एक ऐसा ब्रांड है जो ग्लोबली सब पहचानते हैं एंड उनके प्रोडक्ट्स ग्लोबली फेमस है फॉर देयर नेचुरल प्योर एंड बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट्स की वजह से. बट ड्यू टू सम गाइडलाइंस फ्रॉम KVIC, जहां पर उन्होंने स्टेट किया है कि कोई भी ब्रांड खादी वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एज अ ब्रांड नेम. सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, खादी ग्लोबल हैव डिसाइडेड टू रीब्रांड देयर प्रोडक्ट्स इनटू द इंडी अर्थ ब्रांड. तो हम सबको सेम ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे विद दैट सेम ट्रस्ट जो पहले था, लेकिन सिर्फ नाम चेंज हुआ है ब्रांड का और थोड़ा सा पैकेजिंग भी चेंज हुआ है. जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे वही सेम ही है, सेम ही ट्रस्ट है, सेम ही प्रोडक्ट्स है, बस नाम चेंज हुआ है. एंड आपको इनके सारे प्रोडक्ट्स ही Amazon, Flipkart पर आराम से मिल जाएगा. इनफैक्ट आप उनके ऑफिशियल वेब स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं, विच इज दिस वन, एंड आप वहां पर जाके उनके प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकते हैं. सो मुझे लगा आजकल बहुत ज्यादा हेयरफॉल की इश्यूज हो रहे हैं एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हेयर फॉल के लिए क्या किया जाए. तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई द प्रोडक्ट्स जो कि हमारे हेयर फॉल इश्यूज को ठीक कर सकते हैं. एंड अनियन इज वेरी गुड इंग्रेडिएंट एंड जब खादी प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते थे, खादी ग्लोबल के प्रोडक्ट्स, तो बहुत एकदम नेचुरल से इंग्रेडिएंट से बने होते हैं. सो अगर मैं इनके अनियन वाला जो रेंज है वो मैं ट्राई करूंगी तो मुझे बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे विच विल बी वेरी इफेक्टिव. तो मैं आप लोगों के साथ रिव्यू भी ऑनेस्टली शेयर कर पाऊंगी कि ये उतना ज्यादा काम करता है कि नहीं. दैट्स वाई मुझे लगा कि उनका जो अनियन रेंज है वो ट्राई आउट करते हैं. एंड फर्स्ट जो मेरे पास है वो है द इंडी अर्थ रेड अनियन एंटी हेयर लॉस हेयर ग्रोथ ऑयल. अब देखिए, रेड अनियन तो हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि अनियन में सल्फर होने की वजह से हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है. इनफैक्ट वो हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करता है. बट द बेस्ट पार्ट मुझे जो इसका लगा वो है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अनियन एक्सट्रैक्ट ही नहीं बट 29 से भी ज्यादा नेचुरल बोटानिकल ऑयल्स है, एसेंशियल ऑयल्स एंड एक्सट्रैक्ट्स है. मतलब इतने सारे बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं. तो अगर आप इस ऑयल को अपने स्कैल्प पर लगाएंगे ऑन अ डेली बेसिस तो कितना सा इफेक्टिव रहेगा ये आप सोच ही सकते हैं. एंड आई एम डेली बेसिस पर मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल एंड थोड़ा थोड़ा मुझे चेंजेस दिख रहा है विच आई एम लविंग. तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से बोटानिकल ऑयल्स एंड एसेंशियल ऑयल्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर है रेड अनियन एक्सट्रैक्ट, डेफिनेटली इसके अंदर है करी लीफ एक्सट्रैक्ट एंड अराबियन अऊद एसेंशियल ऑयल, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट मुझे लगा. सनफ्लावर ऑयल है, विटामिन ई है, कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक आर्गन ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, आमला एक्सट्रैक्ट है, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, नीम ऑयल है एंड व्हाट नॉट. इतने सारे बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर. तो ये डेफिनेटली हेयर लॉस को तो प्रिवेंट करता ही है बट ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है. इनफैक्ट बहुत सारे इतने सारे बोटानिकल ऑयल्स एंड एसेंशियल ऑयल्स होने की वजह से स्कैल्प पर अगर इचिनेस या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है उसे भी रिड्यूस करता है. डैंड्रफ की प्रॉब्लम, अभी विंटर सीजन इज कमिंग सो डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी ये ठीक करता है. दैट्स वाई मुझे ये ऑयल तो बहुत अच्छा लगा. एंड द कलर ऑफ दिस ऑयल इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग बिकॉज बिल्कुल एकदम रेड एंड पिंकिश कलर है इसका विच आई लव. नेक्स्ट मुझे लगा मैं कोई भी रेंज ट्राई करती हूँ देन आई गो फॉर द इंटायर रेंज विच इज मैं सिर्फ ऑयल इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं शैम्पू भी इस्तेमाल करूंगी. सो मैंने यहाँ पर रेड अनियन हेयर शैम्पू भी ट्राई किया है एंड इसके अंदर कफीन है विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन्ग्रीडियंट इसके अंदर मुझे लगा. करी लीफ तो है ही, इंडियन अल्कानेट रूट भी है. द बेस्ट पार्ट इज इनके जो भी प्रोडक्ट्स है इनमें कोई हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जैसे पैराबेन, सल्फेट, SLS. सो
अब शैम्पू के अंदर रेड अनियन एक्सट्रैक्ट तो है ही, क्योंकि रेड अनियन में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, दैट्स व्हाई वो हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इतना अच्छा माना जाता है। इसमें करी लीफ भी है जो कि रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन है और प्रोटीन भी है, तो ये हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज भी है जो हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करता है। इसके अंदर है रतन जोट, तो रतन जोत एक नेचुरल हेयर कंडीशनर है जो प्री मच्योर ग्रेइंग या बॉल्डनेस या हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, एंड बहुत सारे ऐसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो ये शैम्पू भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, सो आई कैन रेकमेंड दीज टू प्रोडक्ट्स टू मेन, वुमेन एंड इवन टीनेजर्स, क्योंकि ये सारे प्रीमियम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं। सो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए, देन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना, मैंने वहां पर लिंक दिया है, परचेज लिंक्स प्रोवाइड किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था विथ खादी ग्लोबल विच इज नाउ रीब्रांडेड टू द इन द अर्थ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे ही पहला वाला खादी ग्लोबल के प्रोडक्ट्स थे, वैसे ही द इन द अर्थ के प्रोडक्ट्स है। So guys, that's it for today's video. आज के लिए इतना ही, stay blessed, stay happy, bye bye.